तो गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सो गाइस, अगर आप स्कूटी खरीदना चाहते हैं या फिर आप बाइक खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। सो गाइस, इस वीक में 2 बाइक और 1 स्कूटी लॉन्च हुई है और फर्स्ट में मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ स्कूटी की और स्कूटी कैसी है, अपना एक रिव्यू बताता हूँ, ठीक है? तो गाइस, इस स्कूटी का नाम है बगमैन और ये आती है 3 कलर में, वाइट, ग्रे एंड ब्लैक। थोड़ी बाइक एंड स्कूटर का कॉम्बो टाइप का लग रहा है मेरे को। और गाइस, ये 125 सीसी की गाड़ी है और ये सिंगल सिलेंडर गाड़ी है। ऑफकोर्स स्कूटी सभी सिंगल सिलेंडर आ रही है तो ये भी सिंगल सिलेंडर है और इस पे 8.7 PS की पावर आती है 7000 RPM पे, ठीक है? ये एयर कूल इंजन है इसमें। सो गाइस, इसमें टॉर्क है 10.2 Nm, वो आता है 5000 RPM पे। और गाइस, इसमें पावर है 8.7 PS की पावर है जो कि आती है 7000 RPM पे। सो गाइस, इसमें कार्बोरेटर इंजन है और गाइस कंपनी बोलती है इसमें 15.3 किलोमीटर पर लीटर का इसका एवरेज है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके ब्रेक की। इसमें फ्रंट में है डिस्क और रियर पे है ड्रम ब्रेक। सो गाइस, ये कॉम्बी ब्रेक के साथ आता है। अगर आप एक ब्रेक लगा रहे हैं तो दूसरा ब्रेक ऑटोमेटिकली लगेगा। उनका हर कंपनी का अलग अलग रेशियो होता है, जैसे कि अगर आप 10% आगे का लगा रहे हो तो 5% या 4% पीछे का भी लगेगा, ऐसा कुछ रेशियो होता है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके टायर की। इसका जो फ्रंट टायर है 12 इंच का है और जो रियर टायर है वो है 10 इंच का। और गाइस, इसके फ्रंट टायर का नंबर है 1919-12 और रियर टायर का नंबर है 90-110। और गाइस, इसमें ट्यूबलेस टायर आता है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। फ्रंट में इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर पे इसके हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। और गाइस, ऑन पेपर इसकी स्पेसिफिकेशन तो अच्छी है और पावर भी अच्छी है इसमें। सो गाइस, बगमैन स्कूटी की पावर थोड़ी ज़्यादा है एक्टिवा 5G से। गाइस, इसका लुक थोड़ा सा अलग टाइप का देखा है क्योंकि सुजुकी वाले टारगेट कर रहे हैं मैन और वुमेन को एक साथ टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये स्कूटी हर कोई चला सके, ठीक है? और सुजुकी ऑफकोर्स फेमस है अपना रिफाइंड इंजन के लिए और मेरे को लग रहा है कि इसका इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। जैसे कि मैंने चला के पहले भी इंट्रूडर लाई है, जिक्सर लाई है, तो उनका इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, वैसे ही शायद इसका भी इंजन स्मूथ रहेगा। और अभी ये 1 महीना लगेगा इसको ऑन रोड में आने में। और इसकी एक शोरूम प्राइस है 70,000 के आसपास है। सो गाइस, अब बात करते हैं बाइक की। गाइस, आपने सही सुना, अपाची RTR 200 अगेन लॉन्च हुई है। और गाइस, अपाची ने मतलब ना मार्केट में आग लगा दी क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशन पर आपको बताऊंगा मैं, आप भी शॉक में हो जाएंगे कि अपाची ने क्या कर दिखाया, ठीक है? सो गाइस, अपाची ने 3 बाइकें लॉन्च करी है। फर्स्ट है कार्बोरेटर में, सेकंड है FI पे और थर्ड है FI प्लस ABS, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ FI प्लस ABS में सबसे अच्छी डील मिल जाएगा गाइस। इसकी प्राइस लगभग 1,30,000 के आसपास जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है गाइस? सो गाइस, इसमें मेन चीज आपको मैं बता देता हूँ। सो गाइस, इसमें 197.7 CC का इंजन है और ये सिंगल सिलेंडर इंजन है और इसमें ऑयल कूल आता है। सो गाइस, इसमें 20.23 PHP की पावर आती है 8500 RPM पे। और गाइस, इसका टॉर्क है 18.1 Nm, वो आता है 7000 RPM पे। और गाइस, इसकी टॉप स्पीड 125 के अराउंड में है। और गाइस, इसमें 5 गियर हैं। सो गाइस, इस बाइक में नया क्या है आपको मैं बताता हूँ कि इसमें इन्होंने ड्यूल चैनल ABS दे दिया गाइस। पहले सिंगल चैनल ABS आता था, इस बार इन्होंने मतलब खतरनाक ही कर दिया, अल्टीमेट कर दिया कि ड्यूल चैनल ABS डाल दिया इसमें, जो कि इस सेगमेंट की कोई भी बाइक में ड्यूल चैनल ABS नहीं है। और एक बाइक में है, वो बाइक बहुत ज़्यादा महंगी है, डोमिनर बहुत ज़्यादा महंगी है। इससे अगर ये आएगी तो 1,30,000 के अराउंड में ही आएगी, इससे अब इसकी प्राइस नहीं जाएगी।
और जो डोमिनर है वो 400 सीसी के सेगमेंट में है, वो 1,65,000 के आसपास में है, ठीक है। और 200 सीसी में ये पहली गाड़ी है जिसमें ड्यूल चैनल एबीएस है, प्लस उसके साथ इसमें स्लीपर क्लच भी दे रखा है। अब गाइस स्लीपर क्लच का ये यूज होता है अगर आप थर्ड गियर में चला रहे हैं 50-55 की स्पीड में और आपको ज्यादा पावर चाहिए, तो आप सेकंड गियर डालेंगे और तो आपको झटका पड़ेगा हर एक बाइक में जिसमें स्लीपर क्लच नहीं होता है। और स्लीपर क्लच का ये फायदा है कि इसमें झटका नहीं पड़ता है, स्मूथली इंजन मैनेज कर लेता है इस चीज को कि झटका आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस बहुत अच्छा फीचर है स्लीपर क्लच प्लस एबीएस, वो भी ड्यूल चैनल, गाइस अल्टीमेट कर दिया ये तो। और गाइस इसका एवरेज भी सही है, 30 के अराउंड में है, 200 सीसी गाड़ी का लगभग 30-35 के अराउंड में आता है। अगर आप हाईवे में इसको चलाएंगे तो 35 के अराउंड आएगा, अगर आप सिटी में चलाएंगे तो आपको 30 का एवरेज मिलेगा इसमें। और गाइस बस इसमें एक ही कॉन्स है इस बाइक में कि इसमें लैक ऑफ 6 गियर है, छठा गियर है ही नहीं इसमें, 5 ही गियर है, मैक्सिमम 5 गियर है। गाइस अगर आपका बजट 1,20,000 1,25,000 के आसपास है तो आप अपाची आरटीआर 200 ले लीजिए, क्योंकि उसमें ड्यूल चैनल एबीएस है, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा गाइस, बिल्कुल भी गाड़ी स्लिप नहीं करेगी। और 80% एक्सीडेंट स्लिप की वजह से होते हैं, जब पीछे का टायर लॉक हो जाता है उसकी वजह से ही एक्सीडेंट ज़्यादातर होते हैं। सो गाइस बहुत अच्छी गाड़ी है, और अगर कोई नई बाइक में आया एबीएस ड्यूल चैनल एबीएस आया तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, नीचे रेड कलर सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कीजिए और घंटी भी बजा देना, ठीक है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी थर्ड बाइक में जो कि इस हफ्ते ही रिलीज हुई है। उस बाइक का ब्रांड का नाम है BMW, और उसने दो बाइक लॉन्च की है, BMW 310R और BMW 310GS। सो गाइस पहले हम बात करते हैं BMW 310R की। सो गाइस मेनली ये बाइक BMW ने सिटी के लिए बना रखी है, और जो GS है वो मेनली बना रखी है एडवेंचर के लिए, एडवेंचर टूरिंग बाइक है GS, और सिटी बाइक है अपनी R 310R, ठीक है। और गाइस ये BMW की सबसे चीपेस्ट बाइक में से एक है। सो गाइस ये सिंगल सिलेंडर इंजन है और इस पे 4 वाल्व काम करते हैं और वाटर कूल इंजन है इसमें। और गाइस इसका 313 सीसी का इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 34 पीएस की 9500 आरपीएम पे। और ये गाइस सिंगल सिलेंडर इंजन है और FI इंजन है इसमें, और 6 गियर हैं, और इसकी टॉप स्पीड 143 के अराउंड में है। और अब बात करते हैं इसके ब्रेक की, इसमें ड्यूल चैनल ABS है। और गाइस अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, और इसके फ्रंट में अप साइड डाउन फोक सस्पेंशन है और रियर पे मोनोशॉक सस्पेंशन है जो कि बहुत बेस्ट है। मोनोशॉक सस्पेंशन गाइस बहुत अच्छे हैं, जो कि आपको अच्छी अच्छी बाइकों में मिल जाते हैं, KTM में मिल जाते हैं, अपाची भी अब देने लगी है, RS में आते हैं और NS में आते हैं। तो गाइस 200 सीसी में सारी बाइकों में मोनोशॉक सस्पेंशन है क्योंकि वो बहुत अच्छे काम करते हैं, गड्ढों पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसका। और गाइस अब बात करते हैं इसके टायर की, और इसमें फ्रंट में 17 इंच का टायर है और रियर में भी 17 इंच का टायर है, और इसके फ्रंट टायर का नंबर है 110-17-17 और रियर के टायर का नंबर है 150-60-17, और इसमें दोनों ट्यूबलेस टायर है। और गाइस इसकी प्राइस 3,50,000 के आसपास है, अभी कंपनी ने एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितनी प्राइस होगी ऑन रोड, तो ये मेरा अजम्पशन है अराउंड इतने के आसपास बैठेगी। और अब बात करते हैं हम BMW 310GS की बात करते हैं, ठीक है। सो गाइस जो स्पेसिफिकेशन मैंने बताई BMW G310R की, वही स्पेसिफिकेशन लगभग सेम इसकी भी है, बस इसमें ये टूरिंग गाड़ी है और इसका थोड़ा प्राइस अबव है, क्योंकि टूरिंग गाड़ी का कॉस प्राइस थोड़ा अबव जाता ही है, और इसका प्राइस अप्रोक्सीमेट आपको पड़ेगा 4,50,000 के आसपास। गाइस वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है क्योंकि अभी इसकी कंफर्म नहीं है कि प्राइस इतनी ही होगी। और गाइस इसको मेनली बनाया गया है टूरिंग के पर्पज से,
आप इसमें लद्दाख इजीली जा सकते हो और इसमें टूरिंग कर सकते हो, आप इजीली टूरिंग कर सकते हो। और इसके लिए आपको पीछे बैरियर लगाने के लिए भी देर का है और भी बहुत कुछ देर का है गाइस। इसके सस्पेंशन बहुत ही अच्छे हैं और गाइस इसमें 19 इंच का फ्रंट टायर डाल का है उन्होंने और 17 इंच का रियर टायर डाल का है। और फ्रंट टायर का नंबर है 110/18/17 और रियर टायर का नंबर है 150/17/17, ठीक है। और गाइस इसमें टैंक कैपेसिटी इसकी है 11 लीटर, जो 310R है उसमें भी 11 लीटर है। और गाइस जो BMW की 310R है वो थोड़ा शॉर्ट हाइट वालों के लिए है और जो BMW की 310 GS है वो थोड़ा लॉन्ग हाइट वालों के लिए है। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू 310R। और गाइस इन दोनों बाइकों की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपको लेनी होगी तो आप BMW के शोरूम पे जाकर बुक करा लेना। और मिनिमम बुकिंग प्राइस 50,000 है और जो BMW 310R है उसकी प्राइस आपको अराउंड 3,50,000 के आसपास पड़ेगी, थोड़ा वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। और जो BMW 310 GS है उसकी प्राइस आपको पड़ेगी 4,50,000, ठीक है गाइस। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है 5-10 हज़ार रुपया, एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता बट इतना ही आगे आएगी। सो गाइस अगस्त के लास्ट तक जो आपने बाइक बुक करा रखी है वो बाइक आपको मिल जाएगी। सो गाइस BMW की 2,300 के आसपास बाइकें रिकॉल की गई है क्योंकि उसमें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से उसको चेंज कराने के लिए भेजा गया है। सो गाइज अगर कंपनी को कुछ भी गड़बड़ लगती है बाइक के इंजन या किसी भी बॉडी पार्ट में तो कंपनी ऐसा करते रहती है। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 1 महीने से भी ऊपर टाइम है कंपनी के पास कि कंपनी अपना जो भी प्रॉब्लम है अपनी रिजॉल्व कर कर दे दे भाई। और अगर बाद में भी ये प्रॉब्लम आती है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इसको चेंज करा देती है। तो गाइज यही था मेरा रिव्यू इन दो बाइक के और एक स्कूटी का। होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि अब मैं जो नई बाइक है उसकी स्पेसिफिकेशन और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं उसके बारे में बताऊं तो कमेंट डाउन कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन नीचे है उसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस अपानी ने सेम है बट देखना होगा कैसी होगी इसकी फ्रंट में इसके टेलर्स पर।